पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जहां आपको मिलती हैं कृषि संबंधित तमाम नई जानकारियां। जी हां, कृषि दर्शन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे कृषि में आप नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा कामयाब किसानों से भी आपकी मुलाकात होती है और साथ ही आपको सरकार की योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी देते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे ब्लू रेवोल्यूशन यानी मत्स्य पालन, मछली पालन के बारे में। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ भोजन आपूर्ति भी एक चुनौती है। ऐसे में मत्स्य पालन की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि इससे पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होता है। अगर आप भी मछली पालन कर अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो जानते हैं इसकी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में, कौन कौन सी अहम जानकारियाँ हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं, जो कि जाननी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अपनी रिपोर्ट में। मछली पालने के लिए ऐसे तालाब की जरूरत होती है जिसमें कम से कम 6 महीने पानी उपलब्ध रहे और गर्मी के दिनों में भी कम से कम 5 फीट पानी भरा रहता हो। अगर ऐसा तालाब नहीं है तो अगल बगल से पानी की व्यवस्था करनी होगी। आप चाहें तो नया तालाब खुदवा सकते हैं। नए तालाब के लिए निचली जगह का चुनाव करें, ऐसी जगह जहां पानी ज्यादा समय तक रुकता हो। दोमट मिट्टी ज्यादा समय तक पानी रोकने वाली होती है। वैसे तो छोटे तालाब में मछली पल जाती है, लेकिन अगर कम से कम आधे एकड़ का तालाब होगा तो मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी। तालाब आयताकार हो और चौड़ाई के मुकाबले लंबाई 3 गुना होनी चाहिए। तालाब की तलहटी में पेड़ की जड़ या पत्थर को ना छोड़ें। आगे चलकर ये मछली पकड़ने में रुकावट बनेंगे। अगर तालाब में पानी भरने के लिए नदी, नाला या नलकूप है तो 5 से 6 फीट की गहराई काफी है, वरना ये 10 से 11 फीट रखनी होगी। मछली का बीज छोड़ने से 8 से 10 दिन पहले तालाब में गोबर और चूना डालना है। इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाएगा। 1 हेक्टेयर के लिए 40 क्विंटल सड़े गोबर की जरूरत होती है। इसे एक साथ नहीं बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है। शुरू में 8 क्विंटल, इसके बाद हर माह 4-4 क्विंटल। तालाब में चूना डालना बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसी जगहों पर जहां की मिट्टी अम्लीय है। महीन पाउडर चूना तब देना है जब तालाब सूख गया हो और सभी बेकार मछलियों को उससे निकाल लिया गया हो। तालाब में रासायनिक खाद भी देना जरूरी है। इसके लिए 80 किलो DAP, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालें। इसे भी एक बार में नहीं देना है बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है। अगर आपके तालाब में सड़े गले पत्ते या इसी तरह की दूसरी चीजें आती हैं, तो फिर गोबर की मात्रा कम की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि तालाब में किस तरह की मछलियाँ पालनी है। वैज्ञानिक खोज के बाद ये बात सामने आई है कि अगर 6 किस्मों की मछलियाँ एक साथ पाली जाएं, तो पैदावार ज्यादा होती है। इन 6 किस्मों में शामिल हैं कतला, मृगल, रोहू, सिल्वर कॉप, ग्रास कॉप और कॉमन कॉप। इन किस्मों को पालने से सभी तरह के भोजन का सही से उपयोग हो जाता है। वैसे भी इन मछलियों की आपस में दोस्ती होती है और बड़ी मछलियाँ छोटे बच्चों को नहीं खाती। तालाब में जगह सीमित होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मछलियों का बीज डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर बीज बड़े आकार का यानी 3 इंच लंबा है
तो एक एकड़ में 4000 बीजों की जरूरत होगी और अगर लंबाई 1 इंच है तो 10000 बीज डालने होंगे। अच्छी बढ़त के लिए गोबर की खाद के अलावा पूरक आहार भी देना होता है। इसके लिए सरसों की खली और धान का कूड़ा समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम डालते रहें। बीज डालने के बाद हर महीने जाल डालकर मछली की बढ़वार को देखते रहें। अगर किसी तरह की बीमारी, दाग या घाव नजर आए तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। सुबह सूरज निकलने से पहले अगर मछली पानी के बाहर कूदे या हवा में मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करें तो समझ लें कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है। पानी को बांस से पीटें, कुछ चूना पाउडर डाल दें या फव्वारा की तरह पानी को फेंकें। इससे पानी के ऑक्सीजन स्तर में सुधार आ जाएगा। पानी का रंग गहरा हरा होने पर पूरक आहार और खाद देना बंद कर दें। हरा रंग हल्का पड़ जाए तो पूरक आहार फिर से शुरू कर दें। अगर मछली पानी की सतह पर समूह बनाकर घूमे तो समझ लें कि वो भोजन तलाश रही है। ऐसे में पूरक आहार बढ़ा दें। अगर मछली अकेले घूम रही है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तालाब से सभी मछलियों को एक साथ नहीं निकालना है बल्कि थोड़ी थोड़ी करके पकड़ना है। इससे उत्पादन ज्यादा होगा। इस तरह एक एकड़ तालाब से साल भर में 15 क्विंटल मछलियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट मत्स्य पालन पर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त वक्त छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं फरीदाबाद के मुकेश यादव से, जो कि परंपरागत खेती के साथ साथ नई तकनीक को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ परंपरागत खेती के साथ भी जुड़े रह सकते हैं। उनकी इस तकनीक को देखकर नए किसान भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी कृषि स्टार्टअप में। मुकेश यादव फरीदाबाद के छोटे से गांव मांझा वाली में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म खेती से जुड़े एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई इसी गांव से की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए थे। चूंकि इनका परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था, इसलिए खेती से इनका लगाव हमेशा ही बना रहा। पढ़ाई के दौरान भी वे फसलों की बिजाई और कटाई के समय छुट्टी लेकर गांव आया करते थे। इसी बीच गांव और मुंबई में हो रहे कृषि में काफी फर्क महसूस किया। मुकेश ने पाया कि उनके गांव में आज भी परंपरागत तरीके से खेती की जा रही है, जबकि महाराष्ट्र के किसान आधुनिक पद्धतियों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2004 में मुकेश अपने गांव लौट आए और इन्होंने नई तकनीकों के साथ खेती करनी शुरू की। वे अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही गांव के किसानों को कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारियां देते हैं और सिखाते हैं। इन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि और इससे जुड़े सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। अपने खेतों में इलेक्ट्रॉनिक लेवलर चलाकर खेतों को समतल किया, जिससे उपज तो अच्छी हासिल हुई ही, साथ ही मजदूरों की संख्या भी घटी। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए मुकेश ने अपने खेत में सोलर फेंसिंग भी कराया। इन नई तकनीकों को खुद इस्तेमाल किया और किसानों को भी इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसान की लागत में कमी आई, सिंचाई में पानी की बचत हुई, बिजली कम खर्च होने लगी। यानी मुकेश यादव के प्रयासों से किसानों को फायदा होने लगा। इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉपुलर की खेती करने के लिए प्रेरित किया। मुकेश यादव ने गेहूं के उन्नत प्रजातियां जैसे HD 2851, HD 2912, WR 544 को अपनाया, साथ ही धान की पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा 2511 का फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने गेहूं के बीज का उत्पादन भी किया, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को फरीदाबाद और पलवल के किसानों ने अपनाया, जिसे मुकेश अपनी सफलता मानते हैं। मुकेश यादव ने गेहूं, धान और गन्ना फसल के चक्र के साथ वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। इससे पानी की 20-40% की बचत हुई, साथ ही फसलों में खरपतवार नाशी के प्रयोग को 60% से घटाकर 20% कर दिया। इससे इनकी भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से बढ़ी और साथ ही उनकी आय भी दोगुनी हो गई। अपने क्षेत्र के किसानों को तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए मुकेश ने खुद नई नई तकनीकों को अपनाया। इन्होंने धान की SRI तकनीक से बीज, खाद और रसायनों की बचत की। इन्होंने गहरी जुताई और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी अच्छी पैदावार हासिल की। किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम प्रजातियों को मुकेश यादव ने किसान क्लबों द्वारा दूसरे किसानों तक पहुंचाया। मुकेश यादव ने अनुसंधान परिषद की नई तकनीकों का किसानों के बीच खूब प्रचार प्रसार किया और इस सब के पीछे मकसद यही था कि किसान आगे बढ़ें और खेती को व्यावसायिक तरीके से करें, ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुकेश यादव को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई मुकेश यादव से। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें जानकारी देंगे सरकार की योजनाओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। सन्ना पुट्टा उद्यमिगळन्न मत्तष्टु अग्रिकल्चरली हेच्चु नावु इन्नष्टु साधने माडलिक्के कारणकारतवादंत ई अग्रिकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इंद नम्म इन्नष्टु योजनेगळु आयोजनेगळु उत्तमगोंडिदे। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं अपने सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर किसानों पर केंद्रित हैं। आज का युग डिजिटल युग है और इससे कृषि का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। आइए आपको बताते हैं सरकार की योजना ईनाम के बारे में, जिससे किसान अपनी उपज का सही भाव प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। कैसे एक क्लिक से ही अपनी फसल बेची जा सकती है, आइए जानते हैं अपनी रिपोर्ट में। ईनाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ईनाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ईनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है।
ईनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। जी हाँ, ये एक तरह की मिट्टी की सेहत का रिपोर्ट कार्ड है जिससे किसानों को ये पता चल पाता है कि उनके मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और किस स्तर तक उसकी पूर्ति करनी है। इससे किसानों की लागत भी घटती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो क्या लाभ है सॉइल हेल्थ कार्ड का, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है, साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जाँच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90-95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85-90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8-10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित
जीवन के रहस्यों के गूण स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई राय है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव से हमें मदद मिलती है कि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर देखें कृषि दर्शन। अगले अंक में फिर होगी कृषि दर्शन में आपसे मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।